बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 31 जुलाई 2021 शनिवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे आपको काम की टिप, और बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं तो आप लोगों के सवाल भी शामिल करेंगे। जिन लोगों के सवाल अभी तक नहीं ले पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, आपके सवाल जरूर लिए जाएंगे। बस आप लिखते रहिए और बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिन्होंने पूरी बर्थ डिटेल नहीं लिखी है उनकी कुंडली कैसे बनाएंगे, तो आपके सवाल के जवाब कैसे देना, तो जिनकी बर्थ डिटेल कंप्लीट है उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश अवश्य करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके नाम के अक्षर के हिसाब से कैसा रहेगा आपका दिन शनिवार 31 जुलाई का। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? किसी बात को लेकर किसी से उलझे नहीं, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं करना है, उससे बचना है। नई तकनीकी की प्रयोग से आपको फायदा होगा। अनजान लोगों से मुलाकात होगी और ये मीटिंग लाभदायक होगी। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? उधार लेन देन से बचें, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यों की गति और तेज होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी, जी, एल या एस अक्षर से शुरू होता है। साथ ही आप सबको एक विशेष उपाय भी बताएंगे जो आप इस सावन के महीने में करें तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये सब नाम वाले उपाय कर सकते हैं, ये उपाय हम आपको आखिरी में बताएंगे, तो ज़रूर वो उपाय देखिएगा और वो उपाय अवश्य करिएगा, उससे लाभ होगा। तो आइए जानते हैं सितारों के संकेत। सी अक्षर, जी अक्षर, एल अक्षर या एस अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए क्या है? बोल चाल में मधुर वाणी का प्रयोग करें, बहुत फायदा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम का पहला अक्षर डी से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? धन लाभ होगा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी, अपने काम समय पर पूरे करने का प्रयास करिए। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, एक्स अक्षर से शुरू होता है या ई अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए क्या है सितारों के संकेत? आपके लिए अचानक यात्रा के योग बनेंगे, मन की चिंता दूर होगी, धन लाभ होगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? धन की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, मित्रों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? आपके काम की तारीफ होगी, मन का भटकाव रुकेगा, जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है संकेत? धन लाभ के रास्ते बनेंगे, काम में सफलता मिलेगी, आपकी चिंता दूर होगी। आइए वक्त हो चला है आप लोगों के सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि आप लोग क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में सुख बढ़े, धन बढ़े। तो करना क्या है, सावन का महीना चल रहा है तो इस सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना हम सबको करना चाहिए। तो सबको अलग अलग नाम अक्षर वालों के लिए इसीलिए उपाय नहीं बताया, ये उपाय हम सबको करना है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करनी है, अपने परिवार कुल की परंपरा के हिसाब से, जैसे आपके परिवार में परंपरा है उसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए, आपका आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब चलिए सवाल ले लेते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है मीनू लखमानी,
इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है, हालांकि बेटे का नाम नहीं लिखा। तो मीनू लखवानी के बेटे की कुंडली बनाएंगे और उनके सवाल का जवाब देंगे। उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1992, 11:50 दिन में, फैजाबाद यूपी। और मीनू जी जानना चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी कब होगी। आपके बेटे की कुंडली बनाते हैं मीनू जी, 10 दिसंबर 1992। जन्म का समय आपने बताया 11:50 दिन, और जन्म स्थान है फैजाबाद उत्तर प्रदेश। आपके बेटे की कुंडली बन गई, कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है, और इनकी वृष राशि है। आपके बेटे का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, और इस समय उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो मई 2015 से शुरू हुई है और मई 2031 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, जो जनवरी 2020 से शुरू हुई है और अप्रैल 2022 तक चलेगी। आप जानना चाहती हैं कि बेटे की शादी कब होगी। देखिए, आपके बेटे की शादी का योग बन रहा है जुलाई 2022 से, तो जुलाई 2022 से लेकर के नवंबर 2025 के बीच में आपके बेटे की शादी हो जाएगी। यानी आगे आने वाला साल अच्छा है उनकी मैरिज के लिहाज से, तो जुलाई के बाद जो रिश्ते आएँ उनमें से आप मनपसंद रिश्ता सेलेक्ट करके अपने बेटे की शादी कर सकते हैं। देखिए, सेवेंथ हाउस जो है इनकी कुंडली में, उसका स्वामी सूर्य है और वो दसवें घर में बैठा हुआ है 24 डिग्री का, अपने मित्र मंगल की राशि में। तो आगे आने वाले समय में इनकी शादी हो जाएगी और अच्छी शादी होगी। बस मंगल से संबंधित उपाय जरूर कर लें, जिससे कि अच्छी मैरिज हो और शादी में कोई बाधा ना आए। तो मंगल से संबंधित क्या उपाय करना है, बेटे को कहीं प्रतिदिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ मीठे का भोग लगा करके गरीबों को प्रसाद बांटें, तो शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उन्नति भी होगी, करियर भी अच्छा होगा। अब बारी आ गई काम की टिप की। आज आपके लिए काम की टिप क्या है? देखिए, हम सबको धन चाहिए, तो धन की प्राप्ति के लिए क्या करें? ये समय चल रहा है श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में धन दिलाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे करें, क्या करें जिससे कि आपको अच्छा धन मिले? क्या करना है आपको? प्रतिदिन दूध दही और घी से भगवान शिव को स्नान कराइए, और स्नान कराने के बाद इत्र अर्पित करिए। कैसे करना है कि सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर जल में थोड़ा सा दूध मिला लें उससे स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, और इसके बाद जल से जब आखिरी में स्नान करा दिया, फिर इत्र अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से धन के लिए प्रार्थना करें। धन प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ण। तो नाम बनाएगा काम में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपने नाम की गरिमा को समझिए। ईश्वर के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान कृष्ण के नाम में शक्ति है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, आपको फायदा होगा। हमारे साथ भी बोलिए जय श्री कृष्ण।